everyone, welcome to my channel Mom's Love. I hope ये angle सही हो. तो मेरे साथ हैं शौर. शौर से हाय. हेलो एवरी वन. हेलो अंकल. हेलो आंटी. हेलो डियर फ्रेंड्स. हेलो टू एवरी वन. सानवी जो है सो रही हैं, तो इसलिए शौर इस वीडियो में मेरे साथ हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करूँगी वो है हाउ टू बर्प अ बेबी. आप सबको पता ही होगा कि बर्प या डकार दिलवाना बेबी के लिए कितना कितना इम्पॉर्टेंट है. बेबीज़ जो हैं, चाहे आप उनको बॉटल फीड कर रहे हों, चाहे आप उनको ब्रेस्ट फीड कर रहे हों, एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत सारा एयर बबल्स जो है अपने पेट में ले लेते हैं. इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, उनको उनका पेट दर्द होता है. और बेबीज़ का हर इमोशन एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है, वो है रो के एक्सप्रेस करना. तो बहुत बार जो है हम जान ही नहीं पाएंगे कि बेबी क्यों रो रहा है, बेबी को डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा है. एक्चुअली इसलिए क्योंकि बेबी का जो मिल्क है वो पचा नहीं है और उसको जो है बहुत ही फुल वाली फीलिंग आ रही है, तो इसलिए बेबी रो रहा है. तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप हर फीड के बाद या हर फीड के बीच में बेबी को बर्प ज़रूर कराएं. तो जैसे अगर आपका बेबी बहुत फसी है तो आप जो है हर 5 मिनट पे फीड रोक के बेबी को पहले हल्का सा बर्प कराइए, उसके बाद जो है फीड कंटिन्यू करिए. अगर आपका बेबी आराम से बर्प कर लेता है तो आप पूरा फुल फीड कंप्लीट करिए, उसके बाद उसको बर्प कराइए. तो मेरे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ अपने बेबीज़ के लिए. तो मैं आपको अब दिखाऊँगी कि मैं इनको कैसे बर्प कराती हूँ. अगर बेबी छोटा है 1 to 2 months तो आप जो है बेबी को ऐसे अपने गोद में बैठाइए और ऐसे अपने हाथ से बेबी के चिन को सपोर्ट करिए अच्छे से. बेबी कितना भी मूव करे, बेबी कितना भी छुड़ाने की कोशिश करे, आप टाइटली उसको ग्रिप बना के पकड़िए और इस तरह से पीठ पे नीचे से ऊपर करते हुए 1 2 3 1 2 3 बेबी को थपथपाएं. आपको ये 5-10 मिनट तक तो करना ही होगा जब तक आपका बेबी बर्प ना ले ले. ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मेरा बेबी इसे आराम से जो है बर्प कर लेता है. ऐसे ऐसे जो है 1 2 3 1 2 3. बहुत हार्ड मत रखिए, बहुत हार्ड मत करिए थपथपाइए, हल्के हल्के हाथों से बट नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर. हाँ बेबू, हाँ बेबू, हाँ बेबू, हाँ बेबू, शी शी शी. तो ये थी मेरी फर्स्ट टेक्निक. जो सेकंड टेक्निक है जो आपको, जो आप आमतौर पे 3 to 4 months ऑनवर्ड्स बेबीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है, वो है आप अपने बेबी को फीड के बाद ऐसे जो है अपनी कंधे पे ले लें, है ना. और सेम प्रोसीजर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे जो है बेबी को आराम से थपथपाइए, थोड़ा बीच बीच में ऐसे सहलाइए उसको और अच्छे से जो है उसको थपथपाते हुए उसकी बर्प निकालिए. कोशिश करिए कि आप 2 बर्प एटलीस्ट ज़रूर निकालें बेबी की, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 बर्प होगी तो फिर कहीं ना कहीं वो एयर बबल्स अंदर ही हैं. तो एटलीस्ट 2 बर्प जो है आप बेबी की ज़रूर निकालिए और इससे जो है बेबी को बहुत कंफर्ट हो जाएगा. उसके अगर पेट में दर्द हो रहा है या कुछ तो वो मतलब ठीक हो जाएगा. और कभी कभी बेबीज़ जो है बर्प करते वक्त थोड़ा सा जो है मिल्क स्पिल करते हैं, तो आप इसमें कोई चिंता या कोई टेंशन की बात नहीं है. आप जब उसे बर्प कराएं तो एक बर्प क्लॉथ अपने पास रख लीजिए, क्योंकि चांसेस हैं कि आपका कपड़ा जो है पीछे पूरा गीला हो सकता है. और उसको रखिए और उसको अच्छे से बर्प कराइए. और कभी कभी या रेयरली आप कह सकते हैं ऐसा होता है कि दोनों टेक्निक से जो है बेबी बर्प नहीं कर रहा है. इस सिचुएशन में आप क्या करें? आपने 10-15 मिनट ट्राई कर लिया लेकिन बेबी जो है बर्प ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या करें? अब बर्पिंग तो इम्पॉर्टेंट ही है. तो मैंने जो तीसरी चीज़ जो मैंने ट्राई की है वो ये है कि आप फीड के बाद बेबी को थोड़ी देर के लिए 2-3-4 मिनट के लिए लेटा दीजिए, बट बेबी का हेड जो है हाई होना चाहिए कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो आप एक तकिया या एक पिलो पे बेबी को लेटा दीजिए, फ्लैट मत लेटाइए बिस्तर पे. बेबी का हेड हाई होना चाहिए.
आप ऐसे बेबी को लिटा दीजिए 2 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद आप लीजिए बेबी को और फिर वो टेक्निक्स रिपीट करिए, या तो बैठा कर या तो ऐसे कंधे पर लेकर, और आपका बेबी जो है ज़रूर 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 बर्प करेगा। तो मैं ये टेक्निक्स फॉलो करती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अपने बेबीज़ को किस तरह से बर्प कराते हैं, क्या आपने भी ऐसे सिचुएशंस फेस किए हैं कि आपका बेबी बर्प नहीं कर रहा है और आपको उसको लेटाना पड़ा, फिर उठा के फिर उसको बर्प कराना पड़ा। तो डिस्कस करिएगा अपने थॉट्स मेरे साथ, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, से बाय, एंड शौर्य बर्प कर रहा है। बाय।